अनुलोम विलोम। नमस्कार, आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम पर। अनुलोम विलोम को नारी शोधन भी कहते हैं। नारी शोधन का अर्थ है कि आप अपनी नाड़ियों को शुद्ध करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, ये उन सभी को शुद्ध करता है। अनुलोम विलोम करने की हम आपको विधि बताएंगे और इसके क्या लाभ होते हैं और इसको कौन कौन कर सकता है। अब ध्यान दें, अनुलोम विलोम करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका पूरा ध्यान श्वास पे होना चाहिए। अनुलोम विलोम करते समय श्वास को बिल्कुल ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे अंदर की ओर और बाहर की ओर ले जाना होता है तथा पूरा ध्यान सिर्फ श्वास पर ही रखना है। हम इसको विधि से देखते हैं। आइए, सबसे पहले आप एक आसन बिछाइए। आप उस पर किसी भी इमोशन में बैठ सकते हैं, जैसे वज्रासन पर बैठ सकते हैं, सुखासन पर बैठ सकते हैं या फिर पद्मा आसन में भी बैठ सकते हैं। उसके बाद आप अपने हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए और दोनों हाथों की सबसे पहले ज्ञान मुद्रा बनाइए। उसके बाद सीधे हाथ की विष्णु मुद्रा यानी कि पहले दो फिंगरों को फोल्ड करते हुए अंगूठे के निचले वाले हिस्से पर लगा दीजिए। बाकी पीछे के दो उंगलियों को खोल दीजिए और अंगूठा बाहर की ओर ढकेल दीजिए। ये आपकी हेल्प करेगा आपकी नोस्टिल को पकड़ने में। अब आपको क्या करना है, आप ध्यान रखेंगे कि आपको श्वास आराम से, सजगता से, पूरे ध्यान से अंदर व बाहर लेना है। सबसे पहले अपने अंगूठे से नासिका के दाएं छिद्र बंद करके बाएं छिद्र से श्वास अंदर लें, फिर दाएं छिद्र से बाहर निकाल दें। अब अंगूठे को हटाते हुए बाएं छिद्र को उंगलियों से बंद करके दाएं छिद्र से लें और बाहर निकाल दें। पर इस बार दाएं से श्वास अंदर लें और बाएं से बाहर निकाल दें। इस प्रक्रिया को आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। अनुलोम विलोम हमारे शरीर के विषैले पदार्थों को क्लीन करता है, हमारे टॉक्सिन को रिमूव करता है, हमारे मन को शांत करता है तथा हमारी दिनचर्या को भी मेंटेन करता है। अगर आप इसे नियमित करेंगे तो इससे आपको बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे। जय हिंद।